प्रार्थना है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से हटे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, कभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, कभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही लेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से हटे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, सो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, अमावस को कर दे मौन, नेकी पर चले और बदी से हटे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तो आज का टॉपिक है द टाइड्स ऑफ इमोशंस एंड देयर मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम ही ये इमोशनल प्रॉब्लम है। और हम अब तक में तो काफ़ी कुछ देख चुके हैं चारों केंद्रों के अंदर, और इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर का क्या तूफान अंदर चल रहा है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, लंबा भी है, कुछ समय तक चालू रहेगा ये चैप्टर, और इसमें से आपको बहुत कुछ जानना मिलेगा, और खास करके हमारे अंदर की क्या चल रहा है हमारे अंदर, हमारे अंदर की स्थिति क्या है, ये सब चल रहा है। तो ये सब हम इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी है क्या, उससे हम क्या जानना चाहते हैं, इंटेंसिटी जान के क्या करेंगे? तो इंटेंसिटी को दूसरे ढंग से कहे तो एक आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अंदर की आपकी जीव की दशा क्या है, मेरे जीव की दशा अभी क्या है, मेरी कौन सी स्थिति है जीव की,
तो ये जो है ये जब हम इंटेंसिटी का स्टडी करते हैं तब ये पता चलता है, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी इतनी हमारी अंदर की दशा जो है वो सुधरती जाएगी और अलग अलग स्टेट के अंदर जाएंगे, अलग अलग रेशियो जो बताए हैं उसके अंदर हम जाएंगे। तो इस तरह ये जो है जब इसके ऊपर चार केंद्रों के ऊपर काम करते हैं और इंटेंसिटी जब हम बदलते हैं तो अंदर की हमारी स्थिति भी बदल जाती है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होता रहता है। तो इसीलिए ये चैप्टर का भी महत्व है और ये सब जानने का भी महत्व है। अब बात है इमोशन की, यहाँ आ गए तो टाइप्स ऑफ इमोशन मतलब जो जवार भाता चलता रहता है और हम खुद भी हर व्यक्ति महसूस करती रहती है कि दिन भर में कितनी बार हमारे अंदर ये इमोशंस की टाइड्स आती रहती है, जैसे जवार भाता या जिसे गुजराती में हम बढ़ती ओट कहते हैं। तो बढ़ती ओट जवार भाता ये हमेशा बना रहता है, कभी ऊपर आ गए तो हम खुश है, कभी नीचे चले गए तो एकदम नाखुश है। और इससे हमारा ये भी बनता है, इंटेंसिटी जो बनती है टाइड्स के द्वारा ही हमारी पॉजिटिव नेगेटिव या प्लस माइनस इंटेंसिटी जो है वो हमारी इससे ही बनती है। तो इसके ऊपर काम करना और समझना बहुत जरूरी है। अब इमोशंस क्या है ये तो हर व्यक्ति को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इमोशंस है। भगवान ने ऐसी कोई व्यक्ति बनाई नहीं है कि जिसके अंदर इमोशंस न हो, भाव ना हो। हमारे अंदर दो शक्तियां काम कर रही है, एक विचार शक्ति है और एक भाव शक्ति है। पर भाव शक्ति ज्यादा प्रबल है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है विचार शक्ति से। विचार की शक्ति से कुछ हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पर अगर भाव की शक्ति अगर आप सही ढंग से जगाते हैं तो उसका वो अचूक परिणाम आएगा। तो भाव शक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और भाव शक्ति पर वो नेगेटिविटी में नहीं चली जानी चाहिए, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव बनी जाती है। नेगेटिव भी एक शक्ति ही है, एक गुस्सा आता है तो वो नेगेटिव शक्ति है इमोशंस की, और वो भी बहुत स्ट्रांग है। पर जो इसको अगर पॉजिटिवली हम करते हैं तो प्लस इंटेंसिटी बनाते हैं तो ये हमारे फायदे के अंदर है। तो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ये हमारे ध्यान में रखना। तो ये जो इमोशंस है वो संसार के अंदर तो उपयोगी है ही, पर साधना के अंदर भी इतने ही उपयोगी है। और इससे तो पूरा एक भक्ति योग निकल आया है। जो भक्ति योग है उसका बेस क्या है? इमोशंस है। तो इमोशंस का माध्यम, इमोशंस को जगा के जो साधना की जाती है उसको भक्ति योग कहा जाता है। तो इमोशंस जो है वो संसार के अंदर भी उपयोगी है और साधना के अंदर भी उपयोगी है, इसीलिए इसका हमें राइट यूज क्या है वो करना चाहिए, समझना चाहिए। और इमोशंस के साथ साथ में हमारे बॉडी के केमिकल्स भी जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए तावरिया जी कहते थे कि इमोशंस आर केमिकल्स, मतलब जो इमोशंस है वो एस्ट्रल के अंदर वो इमोशंस है पर फिजिकल के अंदर वो केमिकल्स है। केमिकल्स का मतलब क्या है कि हमारी जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स अंदर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो उनके जो स्त्राव होते हैं हॉर्मोन्स वो किस तरह वो सीक्रेट होते हैं, उसका स्त्राव होता है, इसी तरह हमारा मूड चलता रहता है। तो आदमी का मूड जो है वो उसे और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत गहरा संबंध है। और इसीलिए एक स्पष्ट उसका उदाहरण ये है कि जब लेडीज के अंदर मेनोपोज आता है या पीरियड्स के अंदर होते हैं तो उनके मूड्स बहुत चेंज होते हैं। उसका कारण क्या है कि हॉर्मोन्स चेंज हो गए तो मूड्स चेंज हो गए, मतलब इन दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है। तो ये चीज जो है वो हमें समझनी चाहिए कि भाई इमोशंस और केमिकल का मतलब क्या है कि फिजिकल के अंदर जो ये ग्लैंड्स का जो काम है वो एक दूसरे के ऊपर असर करता है। ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उसकी असर इमोशंस के ऊपर पड़ती है, और इमोशंस अगर डायरेक्ट जग जाते हैं तो उसकी असर फिजिकल के ऊपर भी पड़ती है।
ये वाइस वर्सा उसकी इफेक्ट होती है। इसीलिए जो योग है, योग के अंदर क्या किया जाता है कि फिजिकल से शुरुआत करते हैं और फिजिकल के अंदर हमारे इमोशन, हमारे पहले तो हमारे ग्लैंड्स को बैलेंस करते हैं और ग्लैंड्स जितने बैलेंस होते जाएंगे इतना जो है वो इमोशन भी अपने आप में बैलेंस होता जाएगा। तो योग का महत्व, फिजिकल योग का महत्व ये है कि उससे हम ग्लैंड्स द्वारा इमोशन के ऊपर काबू पाते हैं। इसीलिए तावरिया जी बार बार कहते थे कि भाई खाली ये रिफाइनिंग तो करो, आप शुरुआत तो करो, 7 मिनट करो। ऐसे आप शुरुआत की जो शिविरों में आप सुनेंगे तो वो बोलेंगे अरे खाली 7 मिनट से शुरुआत करो और आपके अंदर चेंज आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि उनको पता था कि भाई ये अगर चाहे फिजिकल एक्सरसाइज है रिफाइनिंग पर ये करेंगे तो उसके अंदर ये इमोशनल लेवल के ऊपर भी अपने आप में उसका प्रभाव पड़ेगा और इमोशनल बैलेंस आता जाएगा। तो ये इमोशन जो है वो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें इस तरह इसका उपयोग करना है कि हमारा इसे अच्छा प्रोग्रेस बने, हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ हो। क्योंकि जो इमोशनल व्यक्ति है वो ज्यादा दूसरों को पसंद आती है, जिनके अंदर भाव समृद्धि है वो व्यक्ति दूसरों को अट्रैक्ट कर सकती है। बाकी खाली जो विचारों की या फिर बुद्धि की जो शुष्कता है वो शुष्कता किसी को इम्प्रेस चाहे कर सके पर किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जो है वो इमोशंस के अंदर बहुत ताकत है। अब ये किताब के अंदर क्या है वो थोड़ा पढ़ते हैं। द टाइड्स ऑफ मैकेनिज्म एंड देयर टाइड्स ऑफ इमोशंस एंड देयर मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म भी जानना चाहिए कि ये इमोशंस का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह वो काम कर रहा है। तो पहले एक ऋग्वेद का एक जो है वो सूत्र दिया हुआ है, देयर आर द रोज डिजायर इन बिगिनिंग डिजायर द प्राइमल सीट ऑफ जर्म ऑफ मनस सेजिस हु सर्च विद देयर हार्ट्स थॉट्स डिस्कवर द एग्जिस्टेंस किनशिप इन द नॉन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ बात जो होती है या जो इसमें बात जो की है वो शुरुआत में डिजायर की बात होती है कि भाई शुरुआत में जब सृष्टि आई, सृष्टि का सर्जन हुआ तो पहली चीज क्या बनी है, डिजायर। व्यक्ति के अंदर व्यक्ति बना, उसके साथ के अंदर उसका मन बना और मन के अंदर ये डिजायर अंदर उत्पन्न हुई। तो ये एकदम प्राइमल चीज है, एक आदि चीज है। आदमी बना, उसके साथ के अंदर मन जो बना और उसके साथ में अंदर डिजायर भी आ गई। और यही बाइबल के अंदर भी यही स्टोरी होती है, वो जो एक डिजायर उसको बोलते हैं आदम को कि ये भाई फ्रूट नहीं खाना है, तो फ्रूट खाओ ना खाओ ये जो डिजायर आई तो वहां से फिर पूरी सृष्टि चालू हुई। बाइबल भी इसी तरह कुछ बात करता है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा था ये डिजायर किस तरह आती है और उन्होंने सर्च किया हार्ट्स ऑफ थॉट्स, खाली थॉट्स नहीं कहा, सेजी सू सर्च विद देयर हार्ट्स ऑफ थॉट। तो हृदय के अंदर या हृदय के द्वारा जो विचार तो है वो तो उसकी निपज है, पर इसके अंदर हृदय जो है वो ये मतलब ये इमोशंस की पारी फिर यहाँ बात आती है कि ये खाली विचार नहीं है, हृदय द्वारा मतलब इमोशनल सेंटर को भी साथ में रखे हुए, तो इंटेलेक्चुअल सेंटर और इमोशनल सेंटर दोनों का सहकार लेके उन्होंने जो समझा उसकी बात है, डिस्कवर द एग्जिस्टेंस किनशिप इन द नॉन एग्जिस्टेंस। तो जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, उसका अनस्तित्व के क्या संबंध है, ये डिस्कवर, ये उन लोगों ने ढूंढ निकाला। ये एक ऋग्वेद का एक सूत्र है। अब तावड़िया जी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं हमारे अंदर की स्थिति, हर व्यक्ति के अंदर किस तरह का एक केओस चलता रहता है, अंदर का एक स्थिति उसका यहाँ वर्णन करते हैं, एक साथ में अंदर क्या क्या चल रहता है एक व्यक्ति के अंदर। तो ये यहाँ एक वर्णन किया हुआ है, पर्सन में बी एट हिज डेस्क इन ऑफिस रीडिंग अ लेटर सिटिंग इन अ चेयर। तो एक व्यक्ति अपनी ऑफिस के अंदर कुर्सी पर बैठे बैठा एक लेटर को पढ़ रहा है।
his legs may be swinging and the fingers of one hand may be drumming. तो हम देखते हैं कई लोगों के पांव जो टेबल नीचे हलते रहते हैं बैठे हैं पर उसके अंदर इतना एक एजिटेशन रहता है उसके अंदर एक जो अंदर के सेंटर से उसके अंदर जो तालमेल नहीं है और उसका इम्पैक्ट जो आता है वो बॉडी के ऊपर आता है तो कई किसी का पैर हिलता रहता है किसी का मस्तक हिलता रहता है किसी का हाथ कंधा ऊपर नीचे होता है ये सब अंदर का इम्बैलेंस बताता है व्यक्ति के अंदर जब इम्बैलेंस बढ़ जाता है तो इस तरह ये रिफ्लेक्ट होता है तो व्यक्ति का पैर हिल रहा है और हाथ से वो ऐसे जैसे तबला बजाता है टेबल के ऊपर इस तरह वो कर रहा है लेदर पढ़ते पढ़ते फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज ही मे बी ऑब्जर्विंग समवन अब ये भी लोगों की एक हैबिट होती है कि अपना काम तो करते हैं साथ साथ में जरा इधर उधर देख लेते हैं और कई लोग सीधे नहीं देखते तिरछी नजर से देखते हैं तो ये लोगों के अंदर एक हैबिट है वो अच्छी हैबिट नहीं है जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कॉर्नर ऑफ द ऑफ हिज आईज ही मे बी ऑब्जर्विंग समवन एंड ऑन दैट समवन विल डिपेंड सर्टेन थॉट्स तो वो व्यक्ति को देखते हैं और उसके बारे में अभी सोचती है देखो अभी कितना दिमाग के अंदर चल रहा है लेटर भी पढ़ रहा है फिर उसके पैर ही हिल रहे हैं ड्रमिंग कर रहा है अभी साथ साथ में किसी को देख भी रहा है और उसको देखते देखते उसके बारे में उसको विचार आ रहा है ये व्यक्ति कैसा है क्या कर रहा है दैट समवन कुड बी ए प्यून स्टैम्पिंग लेटर और ए क्लर्क फंबलिंग विथ हिज पेपर्स और स्वीट सेक्रेटरी अरेंजिंग हर स्कर्ट तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है ऑफिस की बात है यहाँ तो ऑफिस के अंदर प्यून भी होता है अपना काम करता है और क्लर्क होता है सेक्रेटरी भी होती है तो सब अपने अपना काम करते हैं तो वो किसी को भी देख रहा होगा इनमें से द पर्सन ऑब्जर्विंग मे हैव हैड ए हैवी लंच और मे बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ए गुड लंच एंड फाइनली द कंटेंट ऑफ द लेटर इवोकिंग सर्टेन अदर थॉट्स अभी लंच का टाइम होगा तो हो सकता है कि उसने लंच ले भी लिया हो हैवी लंच या फिर अच्छा खाने के लिए अच्छा लंच के लिए वो इंतजार में भी हो और जो वो लेटर पढ़ रहा है उसके द्वारा भी उसके अंदर कुछ विचार चालू हो गए हैं ट्राई टू इमेजिन एंड रियलाइज साइमल्टेनियसली द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द माइंड एंड द डिफरेंट पैटर्न्स अटेंडेंट देयर ऑन तो ये एक एग्जांपल इसलिए दिया है बताया है यहाँ कि कितने सेंटर्स उसके अंदर काम कर रहा है इंटेलेक्चुअल सेंटर पढ़ना चाहता है तो इंटेलेक्चुअल सेंटर है फिर दूसरों को देखता है और कुछ सोचता है तो इमोशनल सेंटर काम कर रहा है उसके पैर हिल रहे हैं तो उसका मूविंग सेंटर भी काम कर रहा है सेक्रेटरी को देखता है तो हो सकता है उसका सेक्स सेंटर भी काम करता हो तो ये सब सेंटर्स एक व्यक्ति के अंदर वन बाय वन किस तरह काम कर रहा है एक यहाँ एक अच्छा सा एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है और इसके जो अलग अलग जो पैटर्न है वो की पैटर्न क्या है वो भी उसके उसके साथ हमें समझनी है वी आर टेम्प्टेड टू आस्क व्हाई डज अ पर्सन लिव इन सच ए मेस ऑफ अ वर्ल्ड तो इतनी गड़बड़ की स्थिति के अंदर एक व्यक्ति किस तरह जी सकता है उसका कोई एक सेंटर शांति से काम नहीं कर सकता तो भाई लेटर पढ़ना है तो खाली अभी लेटर ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पर लेटर पढ़ता है और उसका तुरंत ध्यान दूसरी व्यक्ति की ओर जाता है और इमोशनल सेंटर चालू हो जाता है उसके बाद में उसका तीसरा सेंटर चालू हो जाता है तो एक अंदर का जो मैस ऑफ वर्ल्ड के अंदर आदमी जी रहा है अंदर गड़बड़ ही गड़बड़ है हाउ कैन देन देयर बी क्लियर थिंकिंग तो फिर यहाँ क्लियर थिंकिंग की तो कोई बात ही नहीं है जब ऐसी स्थिति होती है तो न क्लियर थिंकिंग है न क्लियर इमोशंस है कुछ नहीं है सब गड़बड़ के अंदर चल रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल पर्सन हु प्ले विद द फोर सेंटर्स ऑफ द माइंड एंड ब्रेन वन और सेक्शन वन ऑफ ग्रे मैटर एंड द पर्सन इवॉल्व एंड हैविंग फॉर्म्ड माइंड एंड ब्रेन नंबर फोर और सेक्शन फोर ऑफ द ग्रे मैटर इज दिस
अब यहाँ एक दूसरी बात है कि दो प्रकार के व्यक्ति यहाँ उन्होंने बताए हैं कि एक व्यक्ति जो सामान्य है, जिसको हम रेशियो से अगर समझे तो 2482 का रेशियो वाली व्यक्ति है, और उसका ब्रेन और माइंड का सेक्शन 1 काम कर रहा है। सेक्शन 1 मतलब ये फ्रंट ब्रेन जो है हमारा, ये जो ये फ्रंट लोब है उसको सेक्शन 1 कहते हैं, या उसको तावरिया जी की सिस्टम में रजिस्ट्रेशन एरिया भी कहते हैं, साइंस के अंदर इसको कॉन्शियस ब्रेन भी कहते हैं। तो ये सेक्शन 1 जो है वो जिनका ज्यादा काम करता है वो 2482 की सिटी की व्यक्ति है, और दूसरी व्यक्ति जिसका सेक्शन 4 मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह ब्रेन के 4 भाग तावरिया जी ने बताए हैं। तो सेक्शन जो 4 है, जो फुल्ली इवॉल्व व्यक्ति है, डेवलप व्यक्ति है, उसके अंदर ये चौथा सेक्शन काम करता है। तो चौथा सेक्शन जिसका अंदर काम कर रहा है तो उसके लक्षण क्या है ये यहाँ बताते हैं। दो द सेंट हियर सीज टचिस स्मेल ईट मूव्स स्लीप्स एंड ब्रीथ्स, येट ही नोज द ट्रूथ एंड ही नोज दैट इट इज नॉट ही हु एक्ट्स। तो यहाँ एक दो चीज हमारे अंदर तो प्रॉब्लम क्या है कि हम देखते या सुनते या कुछ भी करते हैं तो पूरा इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर हमारा कोई सेपरेशन नहीं होता है। यहाँ जो स्थिति जो दूसरे इवॉल्व व्यक्ति की बताई है वो ये सब कर रही है, वो सुन भी रही है, टच कर रही है, स्मेल ले रही है, खा रही है, सो रही है, श्वास ले रही है, फिर भी उसको अंदर से पता है कि ये जो क्रिया हो रही है मैं नहीं हूँ। मतलब क्रिया जो हो रही है वो अलग है और उसको अनुभव करने वाला अलग है, उसकी स्पष्ट जो पहचान है जिस व्यक्ति के अंदर, मतलब अंदर का जो एक आई है उसका रियल आई, वो उसके अंदर अभी काम करने लगा है और वो उसको अनुभव कर रहा है कि मैं जो हूँ वो रियल आई हूँ या आत्म तत्व हूँ, और ये जो है वो इंद्रिया अपना काम कर रही है, इंद्रिय से सूंघना है, इंद्रिय से खाना है, सुनना है, तो ये पांचों इंद्रिया अपने अपने विषय में काम कर रही है वो ठीक है, और मैं जो हूँ वो इससे अलग हूँ जो इन सबको देख रहा हूँ। तो ये इसका एक लक्षण है इवॉल्व व्यक्ति का। अब दूसरा कोटेशन भी है, शायद जिनके पास इनर डिसिप्लिन है वो प्रिंटेड उसके अंदर ये कोटेशन छूट गया है, तो दूसरा कोटेशन भी ये इवॉल्व व्यक्ति के लिए है। एक्चुअली ये गीता के कोटेशन से, गीता के मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय के अंदर जो स्थित ब्रह्म के जो श्लोक है उसमें इस तरह की बात आती है। दूसरा कोटेशन ये है, दो ही टॉक्स एंड दो ही गिव्स एंड रिसीव्स, दो ही ओपन्स हिज आईज एंड शट देम, ही स्टिल नोज दैट हिज सेंसेस आर मियरली डिस्पोर्टिंग देमसेल्व्स अमंग द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। फिर से यहाँ भी इस तरह की बात आ रही है कि ये जो अपनी इंद्रिया जो है वो अपने अपने विषयों के अंदर काम कर रही है, और वो तो एक रियल परसीवियर है, तो मतलब कि जो वो ऑब्जेक्टिवली परसीव कर रहा है, देख रहा है वो, और इसके अंदर वो इन्वॉल्व स्थिति के अंदर नहीं है, ये इंद्रिया में अपना अपना काम कर रही है। तो ये दो स्थिति यहाँ हमने देखी है, 482 और एक 5221 या उससे भी ऊपर की ये तो स्थिति है, हम जो उन्होंने डायग्राम फिर 3ABC जो बताया है, तो इस तरह की ये व्यक्ति इवॉल्व, इतनी ज्यादा इवॉल्व व्यक्ति की स्थिति है। अब कहते हैं, वन इज एंजॉयड टू लीव अ नॉर्मल लाइफ बट वन हैज टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ माइंड 1 और सेक्शन 1 एंड ब्रिंग अबाउट हार्मोनी ऑफ द सेंटर एंड देयर को जॉइंट माइंड 2, 3, 4 और सेक्शन 2, 3, 4 एंड इन ड्यू टाइम इनहेरिट व्हाट गॉड एंड नेचर हैज मर्सीफुली डिक्लेयर्ड द राइट ऑफ मैन टू लिव लाइक ए गॉड ऑन अर्थ। तो यहाँ ये एक स्थिति की बात है कि एक व्यक्ति जब ये चारों अंदर के जो ब्रेन से या माइंड है उसको जब पूरे के पूरे डेवलप कर लेते हैं, तब वो व्यक्ति ऐसी है कि जैसे कि स्वयं भगवान इस पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं या फिर रहे हैं, इस तरह की वो व्यक्ति की स्थिति बन जाती है। चारों ब्रेन के अंदर के जो
ये ब्रेन सेंटर्स की बात नहीं है, वो ब्रेन सेंटर्स की बात तो सेक्शन वन के अंदर ही आ जाती है, चारों ब्रेन सेंटर्स है आईएसएम वो सेक्शन वन के अंदर है, पर ये तो अलग दूसरे ब्रेन भी हमारे अंदर है, ब्रेन और माइंड, तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह के चार प्रकार के ब्रेन एंड माइंड है, उसमें आगे बात आएगी सर कौन सा माइंड है और इसकी क्या कैपेसिटी है, वो सब आगे इसमें चैप्टर में आएगी। तो ये जो है वो पहले क्या करना है कि सामान्य व्यक्ति को तो सेक्शन वन के अंदर ये चारों जो केंद्र है उसको हार्मोनिक के अंदर उसको लाना है, और फिर उसको सेकंड थर्ड और फोर्थ जो ब्रेन एंड माइंड है उसको भी डेवलप करना है, सबको को ज्वाइन करके फिर इसको जीना है। तो जब इतना काम हो जाता है तो समझो कि ये व्यक्ति एक पृथ्वी पर जैसे भगवान जी रहे हैं ऐसा वो व्यक्ति है, एक लिविंग गॉड जिसको कहते हैं, तो लिविंग गॉड जैसी ये व्यक्ति बन जाती है, इतना डेवलपमेंट हो सकता है। डियर रीडर, इफ यू सडनली वॉच योरसेल्फ 20 और मोर टाइम्स अ डे, यू विल फाइंड योरसेल्फ एवरी टाइम इन सच ए मेस। तो एक अभी एक टेक्निक बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि निरंतर हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा अंदर, जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे बार बार हमें अंदर की देखते जाएंगे तो हमारे सेंटर के अंदर क्या चल रहा है या कौन से सेंटर डोमिनेंटली काम कर रहा है, ज्यादा सेंटर कौन सा काम कर रहा है, वो सब हमारे समझ में आएगा। तो अंदर का पिक्चर क्लियर करने के लिए वो कहते हैं कि दिन में 15-20 बार आप जो है सडनली आप आपके विचारों को आपके अंदर की स्थिति को देखने का प्रयत्न करो, और इससे आपको पता चलेगा कि अंदर किस तरह का एक मैस एक गड़बड़ चल रही है। बाय कॉन्स्टेंट सच चेकिंग यू शैल बी एबल टू कंप्लीटली शेक योरसेल्फ टू योर वेरी सेंटर, एंड व्हाट इज मोर वंडरफुल यू विल बी एबल टू शेक अप योर इनसाइड सेल्फ। तो ये बार बार देखने पर आप जो हर एक सेंटर है उसको देखेंगे, मतलब कि एक यहाँ शेक का है मतलब एक हिला देते हैं, मतलब बार बार आप जब सेंटर का ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सेंटर के अंदर है ये है। तो यहाँ इसको उन्होंने इस तरह बताया है कि आप जैसे कि वो सेंटर को हिला रहा है शेक कर रहे हैं, और ये सब होते होते फिर आपको अंदर का जो इनसाइड सेल्फ है आपका वो भी आप उसको भी हिला कर समझ सकेंगे कि भाई अंदर की सेल्फ की स्थिति क्या है और हमारे सेंटर की स्थिति क्या है। सिंसियर रेगुलर प्रैक्टिस विल सर्टेनली हेल्प। तो ये सब ये पढ़ने से नहीं आता है, देखो हम हर रविवार पढ़ते हैं सुनते हैं, मुझे पता नहीं है कितने लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये सब काम करना पड़ता है। ये यहाँ बताया कि भाई 15-20 बार देखना है, तो फिर पल से ही याद से ही चालू कर देना है, अंदर देखना है कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है। अभी हम बैठे और जो विचार चल रहा है तो सडनली आप रुक जाओ और देखो कि कौन से विचार चल रहा है, तो पता चलेगा कि ये सेंटर के विचार चल रहा है, ये विचार के अंदर ये स्थिति है, तो अभी कौन सी स्थिति है वो आपको अंदर पता चले। तो ये काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो ही हमें कुछ मदद मिलेगी, बाकी ये पढ़ने से कभी भी कुछ हासिल ना होगा। बुद्धि से समझ आएगा पर उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, न कोई डेवलपमेंट होगा, न कि हम वो 5-1 के रेशियो तक पहुंच पाएंगे। When the diagnosis of this checks is done once a week, classified as under. अब हफ्ते में एक बार उसका फिर क्लासिफाई करना है, ये डायग्नोसिस किया 15-20 बार हमने देखा रोज, और इसका एक नोट बनाते 15-20 बार जो देखते हैं तो हो सके तो इसकी एक नोट बनाते एक डायरी बनाते हैं और उसके अंदर हम लिखते जाते हैं कि भाई इस समय ये सेंटर का डोमिनेंट था प्री डोमिनेंट था, दूसरे समय में दूसरा सेंटर काम कर रहा था, तो कौन से सेंटर के अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता चलता है इसीलिए। और फिर इसका जो है वो क्लासिफाई हफ्ते में एक बार करना है, तो हफ्ते में एक बार फिर डायरी लेके बैठ के देखना है कि भाई हफ्ता का पूरा किस तरह का हमारा सेंटर्स का काम करता। तो उसमें आपको क्या देखना है, नंबर 1 परसेंटेज ऑफ एक्सक्लूसिव इंडल्जेंस इन वन सेंटर। तो
आपका कोई एक ही सेंटर काम कर रहा है और चारों सेंटर अच्छी तरह काम कर रहा है, या आप एक ही सेंटर के अंदर से संतोष ले रहे हो? ज्यादातर लोग हम देखते हैं तो इमोशनल सेंटर से संतोष ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल सेंटर से भी संतोष लेते हैं, वो इंटेलेक्चुअली कुछ करके उसमें से संतोष लेते हैं, पर ह्यूमिनिटी का ज्यादा जो भाग है वो इमोशनल सेंटर से ही संतोष लेने का एक उसका वलन होता है। तो ये एक ही सेंटर का हमारा ये है और इसका कितना परसेंटेज है वो देखना है। सेकंड, परसेंटेज ऑफ वन सेंटर डोमिनेटिंग अदर सेंटर और सेंटर। तो अभी दूसरा परसेंटेज ये देखना है कि कोई एक सेंटर दूसरे सेंटर को दबा तो नहीं रहा है, उसके ऊपर वर्चस्व तो नहीं डाल रहा है। तो ये भी हमें देखना है कि, क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मल कोर्स में इमोशन और सेक्स सेंटर जो है उसका वर्चस्व इंटेलेक्चुअल सेंटर के ऊपर ज्यादातर समय के अंदर रहता है। तो ये भी हमें देखना है कि भाई इमोशनल सेक्स सेंटर का ज्यादा प्रभाव है क्या, या कभी भी इंटेलेक्चुअल सेंटर डोमिनेंस में आता है क्या। तो ये 15-20 बार ऑब्जर्व करेंगे एक हफ्ते के लिए, तब हमें कुछ आइडिया आएगा। तीसरी बात, परसेंटेज ऑफ इंटरफेरेंस बाय और इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स सेंटर। अब सेक्स सेंटर्स का व्यक्ति के अंदर उसका भी एक प्रभाव रहता है। कहते हैं यहाँ तक लोग तो कहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो निर्णय ले रहे हैं, वे सबके अंदर आपका जो सेक्स सेंटर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है सबकॉन्शियसली। और जो फ्रॉइड वगैरह ने जो सब काम किया है ये इसके बेस के ऊपर काम किया है कि भाई आपका जो सेक्स जो है उसका प्रभाव आपका विचार के ऊपर कितना पड़ रहा है, आपके इमोशंस के ऊपर कितना पड़ रहा है। तो यहाँ तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये सेक्स सेंटर जो है उसका इन्फ्लुएंस कितना है वो हमें हमारे अंदर देखना है, उसका वर्चस्व, उसका दखल बाधा। फिर फोर्थ वन, और परसेंटेज ऑफ डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट किसका? डेबिट अकाउंट मतलब कि हम कितना माइनस इंटेंसिटी हमारी बन रही है। तो ये चारों सेंटर अगर ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो ज्यादातर तो माइनस इंटेंसिटी ही बनेगी। तो माइनस इंटेंसिटी बनेगी तो नेचुरली डेबिट अकाउंट हो जाएगा। तो ये चौथा है। फिफ्थ वन इज वेर यू डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब एक्सक्लूसिवली। तो एक प्रकार का कोई काम के अंदर आदमी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है क्या, तो वो के अंदर हमें देखना है। मतलब जब भी आप अंदर देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं कोई पर्टिकुलर काम के अंदर ही व्यस्त हूँ या पर्टिकुलर टाइप के विचार के अंदर ही व्यस्त हूँ, तो वो कितने परसेंट है वो देखना है। एंड लास्ट, इज इट टू जम्बल्ड अप फॉर ऑनेस्ट एनालिसिस। शायद अभी ऐसा भी लगे आपको कि भाई अभी कुछ एनालिसिस कर नहीं सकते, इसमें इतनी गड़बड़ी है कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको थोड़ा लंबे समय तक इसकी नोट बनाते रखना है, ये ऑब्जर्वेशन भी चालू रखना है 15 दिन, महीना, 2 महीना, और लंबा समय तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप जो है वो इसका ये कर सकते हैं। द इनकमिंग कोडेड इम्पल्स is received through a particular sense and reach its respective center for decoding, resulting in a thought. अब ये तो साइंस हम जानते हैं इतने समय से कि एक जो इनकमिंग जो इम्पल्स आता है वो कोडेड फॉर्म के अंदर आता है, मतलब कि उसके अंदर संज्ञा है, उसके अंदर भाषा नहीं है। कोड और डिकोड का मतलब क्या होता है? एक चीज जो है आपका कंप्यूटर के अंदर आप खोलते हैं तो अंदर कोडेड फॉर्म में होता है, बाद में वो भाषा के अंदर वो ये होता है, डिकोड होता है, मतलब प्रचलित भाषा के अंदर वो फिर वो खुलता है। तो जो अंदर इम्पल्स आ रहा है उसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं है, उसके अंदर कोई शब्द नहीं है, उसके अंदर संज्ञा है, और वो संज्ञा जो है वो आती है अंदर, और जिस तरह की संज्ञा अंदर आती है इस तरह हमारे मेमोरी के अंदर भी कुछ संज्ञाएं पड़ी है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी की संज्ञाएं है हमारे अंदर, तो जो आइडेंटिकल होती है, मतलब जिस प्रकार का ये इम्पल्स आया इसी प्रकार का जो आइडेंटिकल मेमोरी अंदर पड़ी है, जैसे कि एक वृक्ष
का इम्पल्स अंदर अंदर आया तो वृक्ष की मेमोरी भी पड़ी है। तो ये जो आइडेंटिकल मेमोरी इसको ऊपर कहते हैं, तो आइडेंटिकल मेमोरी के साथ में ये इम्पल्स ज्वाइन हो जाता है और फिर वो जर्नी करके आगे के हिस्से में, ब्रेन के आगे के हिस्से में जहाँ आईएसएम केंद्र पड़े वहां तक आते हैं कोडेड फॉर्म। अब वहां जो कोडेड ये दो है वो डिकोड की प्रोसेस करते हैं और डिकोड की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह होती है, प्रॉपर वे में होती है, अनप्रॉपर वे में होती है और कितनी ये कितनी स्पीड से होती है, मतलब इसका असर कितना है, इसके मुताबिक हमारे इंटेंसिटी बनती है। तो इंटेंसिटी क्या है कि जब ये डिकोडिंग की प्रोसेस बनती है और डिकोडिंग के बाद थॉट बनता है, थॉट बना, डिकोडिंग बना, थॉट बना, तो हमारे प्रचलित भाषा में बात होगी। वृक्ष जो हमने देखा था वो तो संज्ञा के रूप में देखा था पहले, उस समय वो वृक्ष हमारे अंदर विचार के अंदर नहीं था, पर जब वो ब्रेन के आगे आईईएसएम सेंटर के पास आए तब वो जो है उसको वो वृक्ष की संज्ञा, जो खाली संज्ञा थी वो अभी यहाँ भाषा उसको मिली और वो अभी समझ में आया कि ये चीज जो है वो वृक्ष है। तो ये चीज जो होती है उसके दौरान जो कुछ बनता है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब वहाँ ये जो हर एक सेंटर है, हमने आगे भी देखा था कि हर सेंटर है तो वो अपने एक्सल के ऊपर, धरी के ऊपर घूमता रहता है। जैसे हर प्लेनेट है, जैसे पृथ्वी है तो अपनी धरी के ऊपर हमेशा वो घूमती रहती है, रिवॉल्विंग। तो उसी तरह हर सेंटर जो है वो हमेशा वो घूमता रहता है और वो जितनी स्पीड से, क्योंकि जब डिकोडिंग होता है तो वो घूमने की उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी इतनी इंटेंसिटी ज्यादा बनेगी, जितनी वो स्पीड उसकी कम होगी रिवॉल्विंग की उतनी इंटेंसिटी कम बनेगी। ये एक प्रोसेस हमें पूरी समझ लेना चाहिए। द इनकमिंग कोडेड इम्पल्स इज रिसीव्ड थ्रू अ पर्टिकुलर सेंस एंड रीचेस इट्स रिस्पेक्टिव सेंटर फॉर डिकोडिंग। अब यहाँ रिस्पेक्टिव सेंटर की बात की है तो एक पर्टिकुलर टाइप का इम्पल्स आया, मानो कि वो ऐसा इम्पल्स है कि जो इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर जाके खुलेगा। तो ऐसा ऐसा कोई चीज हमने देखी कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल सेंटर को प्रोवोक करती है, इवोक करती है, इस तरह का कोई चीज हमने देखी और उसका इम्पल्स जो हमारे अंदर आया आंखों द्वारा आया और वो फिर वो ब्रेन के अंदर गया, तो उसके लिए तो तय था कि ये इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर ही खुलेगा। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि भाई हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, तो नॉर्मल कोर्स के अंदर कौन सा सेंटर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, इमोशनल सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब कि जो इम्पल्स हमने देखे, ये मारपीट के इम्पल्स जो हमने देखे अंदर आए इम्पल्स, वो इमोशनल सेंटर के अंदर ही जाके ये खुलेंगे, इसलिए यहाँ रिस्पेक्टिव सेंटर शब्द यूज किया है। वो डिकोड कहाँ होंगे, वो उसके अंदर ही डिकोड होंगे। तो इस तरह हमें समझना है कि वो जो आ रहा है वो इम्पल्स किस तरह का आएगा, उस तरह नॉर्मली डिकोडिंग भी वही सेंटर के अंदर होगा। दिस प्रोसेस है स्पीड एंड वाइब्रेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है डिकोडिंग की, मैंने कहा ना अभी कि भाई ये एक उसका एक रिवॉल्विंग होता है, वो घूमता रहता है और जब वो स्पीड से घूमता है और तब उसके वाइब्रेशंस भी क्रिएट होते हैं विच क्रिएट्स इंटेंसिटी। तो वो जो है वो जो स्पीड और वाइब्रेशन जो है उससे उसकी इंटेंसिटी निर्माण होती है। अगर ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा इंटेंसिटी बनेगी और नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वी कैन कंपेयर द नॉर्मल और एवरेज इंटेंसिटी एंड ऑल्सो नोट मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन ईच सेंटर फॉर ईच थॉट। अब ये थोड़ी डिफिकल्ट बात है, यहाँ तो उन्होंने तो बता दिया कि भाई ये आप उसको नोट कर सकते हैं कि भाई एक सेंटर के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, पर हमारे अंदर ये सब बहुत मुश्किल है कि भाई अभी एक विचार मुझे आया तो उसने कितनी इंटेंसिटी बनाई होगी। हाँ इतना हम समझ सकते हैं कि भाई इसे नेगेटिव बना कि पॉजिटिव बना, क्योंकि वो तो विचार की क्वालिटी के हिसाब से ही हम समझ सकते हैं कि भाई इसे अभी गुस्सा का कोई इम्पल्स आ गया तो डेफिनेटली वो नेगेटिव
इंटेंसिटी बनाएगी वो तो हम समझ सकते हैं, और कोई अच्छा सात्विक विचार आया तो वो पॉजिटिव इंटेंसिटी बनाएगी वो भी हम समझ सकते हैं, पर वो कितनी मात्रा में बनाएगी, मतलब कि वो जो कितने स्पीड में वो बनते हैं, स्पीड से वो वाइब्रेट होते हैं, कितनी स्पीड से घूमते हैं और कितना वाइब्रेट होते हैं, इसके ऊपर ये इंटेंसिटी बनती है। उसको फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है, बाकी हम इतना समझ तो सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव बना या नेगेटिव बना। इम्पल्सिस रीच अवर ग्रे मैटर थ्रू अवर फाइव सेंसेस ऑटोमेटिकली एंड इवन विदाउट अवर नॉलेज। तो ये सब प्रक्रिया जो है वो ऑटोमेटिक है। ये इम्पल्स क्या है ये तो अभी हम तावरिया जी का पढ़ते हैं तो अभी हमारे समझ में आया, बाकी आज तक हमें कहाँ पता था कि कोई ऐसी इम्पल्स जैसी कोई चीज है वो इस तरह अंदर आती है, मेमोरी के साथ में जाती है और फिर इस तरह विचार बनता है। ये साइंस तो पूरी दुनिया के लिए तावरिया जी ने फर्स्ट टाइम खोला, किसी भी किताब के अंदर आपको इस प्रकार का साइंस मिलेगा नहीं कि ये इम्पल्स का साइंस जो है वो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। हाँ, विचारों की बात बहुत करते हैं लोगों, पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार ये सब विचार की तो बहुत सारे पुस्तकों लोगों ने लिख दी है इसके ऊपर, क्रिएटिव थिंकिंग ये वो वगैरह, पर ये जो है ये इम्पल्स का साइंस, क्योंकि विचार जो है विचार से ऊपर जो है वो इम्पल्स है, विचार से सूक्ष्म है वो इम्पल्स है, और इम्पल्स का साइंस तो कावरिया जी ने पहली बार ये बताया हुआ है। एक 5 मिनट के अंदर ब्रेक आएगा, उसके बाद में फिर से मिलेंगे, पर ब्रेक आता है तब तक में हम पढ़ना चालू रखते हैं। इम्पल्सिस रीच अवर ग्रे मैटर, ग्रे मैटर मतलब ये आगे का हिस्सा, थ्रू अवर फाइव सेंसेस 5 इंद्रिय द्वारा, ऑटोमेटिकली एंड विदाउट अवर नॉलेज। तो ये कोई हमारे अंदर इसका इवन विचार बन जाता है, और कई बार तो इतनी बेहोशी है कि हम एक्ट कर लेते हैं फिर भी हमारे अंदर होश नहीं आता। एक आदमी इतना गुस्सा में आ गया बेहोशी के अंदर, वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह के जो है ये जब इतना स्थूल विचार से भी एक एक्ट मतलब कार्य हो रहा है वहां भी होश नहीं है, तो विचार जो चल रहे हैं उसके अंदर तो होश कहाँ से होंगे। और ये फिर इम्पल्स की तो बात करना ही एक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई अगर कहे कि मैं इम्पल्स को जानता हूँ और देखता हूँ तो वो कोई चालबाजी कर रहा है। इतना सूक्ष्म चीज है, ज्यादा से ज्यादा हम विचारों को देख सकते हैं समझ सकते हैं, और अगर आप ज्यादा थोड़ा अच्छी तरह मेडिटेशन करते हैं तो दो विचारों के अंदर जो गैप होता है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके आगे जाना बहुत मुश्किल है, इम्पल्स को देखना और उसके ऊपर काम करना वो सच में बहुत आगे के लिए काम है और बहुत तैयारी करनी पड़ती है। दे रीच सेक्शन 1 ऑफ द ग्रे मैटर, तो ये सेक्शन 1 मतलब यहाँ कॉन्शियस ब्रेन जो है रजिस्ट्रेशन एरिया है वो। हियर इन अगेन इन सेक्शन 1 आर 4 पॉइंट्स और स्पॉट्स और सेंटर्स विद देयर सब सेंटर्स दैट वी कॉल डायरेक्टर्स। दिस पॉइंट्स और स्पॉट्स और सेंटर्स आर वेरी कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट कलेक्शन ऑफ सेल्स केपेबल ऑफ रिएक्शन एंड देयर बाय ट्रांसलेटिंग द इनकमिंग कोडेड इम्पल्सिस। यहाँ ये सेक्शन 1 के अंदर किस प्रकार के सेंटर्स वगैरह और सब सेंटर्स क्या है जिसको वो डायरेक्टर्स कहते हैं, तो यहाँ ये बात करते हैं कि दे रीच सेक्शन 1 ऑफ द ग्रे मैटर। हियर इन अगेन इन सेक्शन 1 आर 4 पॉइंट्स और स्पॉट्स ऑफ सेंटर्स विद देयर सब सेंटर्स दैट वी कॉल डायरेक्टर्स। तो ये 4 सेंटर्स है और उसके भी सब सेंटर्स है, मतलब कि उसके अंदर भी काम करने वाले सेंटर्स है, और इस सबको तावरिया जी डायरेक्टर्स की एक उपमा आपते, क्योंकि ये डायरेक्टर इस माने में कि भाई हमारा ये जो सब ब्रेन का फंक्शन है वो भी एक फैक्ट्री जैसा ही है, और फैक्ट्री के अंदर कैसे डायरेक्टर्स वगैरह काम करते हैं, तो इसी तरह हमारी ये बॉडी ब्रेन सिस्टम की फैक्ट्री है, इसके अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग विचार भाव के लिए अलग अलग डायरेक्टर्स की यहाँ उपमा दी है। दिस पॉइंट्स और स्पॉट्स और सेंटर्स आर वेरी कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट कलेक्शन ऑफ सेल्स केपेबल ऑफ रिएक्शन। ये जो है यहाँ जो ये जो हर एक सेंटर्स है वो सेंटर्स के अंदर सेल्स पड़े हैं,
और ये सेल्फ जो है वो एक बुद्धिशाली इंटेलिजेंट है, मतलब वो बुद्धिशाली कोषों का समूह है, वो सेल्स सेल्स का जो है वो समूह है। तो हर सेंटर है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल सेंटर है, तो उसके अंदर भी इंटेलिजेंट सेल्स का समूह काम कर रहा है। इसी तरह इमोशनल सेंटर हो या सेक्स सेंटर हो, हर सेंटर के अंदर इस तरह के इंटेलिजेंट सेल्स के समूह है और वो काम कर रहा है एंड कैपेबल ऑफ रिएक्शन, और इसके मुताबिक वो उसका जवाब देगा, जो चीज होगी उसका रिएक्शन या प्रतिभाव वो इस तरह देगा एंड देयर बाय ट्रांसलेटिंग द इनकमिंग कोडेड इम्पल्सिस, और जो इनकमिंग इम्पल्स आया उसका ट्रांसलेटिंग जो हमारी भाषा में और रिएक्शन में, तो वो इस तरह होगा। अब इसको जरा एक एग्जाम्पल से वो समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सी अ सोर लाइम एंड अवर माउथ वाटर्स, तो ये तो एक हम बचपन से हमारा अनुभव होता है कि भाई नींबू देखते हैं या कोई व्यक्ति नींबू खाता हुआ देखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर भी पानी आ जाता है, या कोई इमली खाता है तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। तो ये क्योंकि हमारे अंदर जो ये इस तरह के जो बुद्धिशाली सेंटर से वो काम कर रहा है, तो एक प्रकार का जिसे ये देखा कि तरह अंदर एक रिएक्शन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गया। एज इज कॉमनली एक्सप्रेस, ए मैन सीज ब्यूटीफुल वुमन ड्रेस लाइटली एंड ही पासिस थ्रू सर्टेन मेंटल एंड इमोशनल कन्वर्जन। तो ये जो सेंटर काम कर रहे हैं उसका किस तरह फिजिकल असर पड़ती है, एक एग्जांपल ये नींबू का हमने देखा। इसी तरह ये मैन सीज ए ब्यूटीफुल वुमन ड्रेस लाइटली एंड ही पासिस थ्रू सर्टेन मेंटल एंड इमोशनल कन्वर्जन। तो एक व्यक्ति जो है, जो पुरुष है, कोई अच्छी तरह ड्रेसिंग करके कोई स्त्री निकलती है तो वो उसको देखता है तो उसके अंदर जो भाव विचार वगैरह आते हैं वो भी एक ये इसका एग्जांपल है, ये सेंटर किस तरह काम कर रहे हैं। अ वुमन सीज अ फाइन ड्रेस और अ डायमंड नेकलेस एंड हर मेंटल मैकेनिज्म्स आर एलोन अंडरस्टूड बाय हर एंड नो वन एल्स एटसेट्रा। तो ये एक तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग जो ये होता है, हर व्यक्ति के अंदर, मतलब कि जैसे कि जो लेडीज होते हैं तो उसके अंदर इमोशंस का ज्यादा ये रहता है, पुरुष होते हैं तो उनका थोड़ा अप्रोच इंटेलेक्चुअल बौद्धिक थोड़ा ज्यादा होता है, स्त्रियों का भावात्मक थोड़ा ज्यादा रहता है, ये प्राकृतिक रूप में होता है, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही हो, और दोनों भी हो सकते हैं। नाउ वेर वेन एवर एन इम्पल्स एंटर्स एंड रीचेस द ब्रेन इट ब्रिंग्स इन ए टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ एनर्जी। अब ये जो इम्पल्स आता है वो किस तरह आता है, क्या है उसका फॉर्म, तो टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है, शक्ति है, उसका सूक्ष्म कण के रूप में आता है, एक छोटा सा कण है, वो उसके ऊर्जा का छोटा सा कण है, उसके रूप में ये इम्पल्स अंदर आता है। दिस इम्पल्स इज इन कोडेड फॉर्म एंड वेन डिकोडेड इन द ग्रे मैटर लाइक एन इनफ्लेमेबल गैस इट फ्लैश अप
and thereby the tiny fragment becomes either a sizable amount of energy or just burned up, leaving nothing behind. अब ये प्रक्रिया बताते हैं कि ये जब इम्पल्स अंदर आता है और फिर जब ये सेक्शन वन के पास में जब डिकोड होने के लिए जाता है तो जिस तरह एक गैस होता है और गैस के पास में कोई भी अगर थोड़ी सी चिंगारी आ गई तो भी गैस किस तरह एक ये हो जाता है, सलगने लगता है. इसी तरह ये जो डिकोड की प्रोसेस होती है उस दौरान वो ये जो टाइनी एनर्जी जो है, वो टाइनी फ्रेगमेंट है ऊर्जा का, एनर्जी का, वो या तो साइजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. साइजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी का एक निश्चित जत्था, एक ऐसी कुछ प्रकार की एनर्जी जिसको कह सकते हैं, इतनी एक अमाउंट, इतनी एनर्जी अंदर वो डिकोड होते समय प्रोड्यूस होगी, या फिर वो पूरा बर्न अप सलग जाएगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा. तो उसके द्वारा एक नक्की होता है यहाँ कि जो आगे बात आएगी कि भाई वो डिकोड सही मात्रा में या सही प्रोसेस से हो रहा है या गलत प्रोसेस से हो रहा है. अगर जो सही प्रोसेस से होगा तो ही ये जो है वो साइजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी. अगर वो नहीं होगा तो फिर वो बर्न अप हो जाएगा, वो सलग जाएगा और पीछे कुछ नहीं रहेगा. तो ये आगे फिर हम यही समझेंगे कि भाई ये डिकोड की प्रोसेस को हम कुछ कर सकते हैं क्या, और किस तरह वो ढंग से वो प्रोसेस हो सके. When it is decoded by improper methods, decoded it burns up. तो improper method के द्वारा अगर हो गया तो ये burns up हो जाएगी, सलग जाएगी और कुछ energy इससे बनेगी नहीं. When it is decoded by proper method, it becomes a sizable amount of energy, which then can be stored or further dissipated. तो अगर वो proper method से अगर वो decode होता है तो वो साइजेबल एक एनर्जी का जत्था बनेगा और वो हो सकता है कि वो एक्यूमुलेट हो, मतलब वो अंदर एक जमा एनर्जी जो है वो हमारे अंदर जमा रहे, या फिर वो भी डिसिपेट हो जाए, वो भी निकल जाए, वो खत्म हो जाए. दो सक्रियता होती है जो एनर्जी बनती है उसकी. When stored it increases the inner tone of a person, and when it disappeared, it exhausts a person physically, emotionally, sexually or intellectually, and through the various leakages as explained in the book. तो ये इसका दो परिणाम आएगा. अगर वो ये होती है अच्छी तरह, वो मेथोडिकली प्रॉपर मेथड से अगर वो डिकोड होता है तो उसकी एनर्जी स्टोर होती है और व्यक्ति का जो इनर टोन है वो चेंज हो जाता है, या वो अगर सही ढंग से नहीं होती है तो व्यक्ति के अंदर एक थकान सी लगती है और चारों केंद्रों के अंदर थकान, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली और इंटेलेक्चुअली, तो चारों लेवल के ऊपर चारों सेंटर के अंदर एक थकान सी लगती है और उसके जो लीकेजेस है वो इसका कारण है कि लीकेजेस इस तरह चारों सेंटर से हो गए क्योंकि वो मेथड से डिकोड नहीं हुआ. तो ये आगे उन्होंने ये बताया हुआ है लीकेजेस क्या है, वो तो आगे आ चुका है. द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन दिस अर्थ. अब हम जानते हैं, ये तो बात सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं और साइंस में भी जानते हैं कि भाई जो पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा काम कर रही है वो किसकी ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है. तो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आती है और अलग अलग रूप में आती है. वो रेस के रूप में, मतलब किरण के रूप में आती है, गर्मी के रूप में आती है, या फिर योग की दृष्टि से कहें तो वो प्राण के रूप में भी आती है. मतलब ये रेस वगैरह तो आती है, उसके अलावा सूक्ष्म रूप में वो प्राण के रूप में आती है कि जो हमारा पृथ्वी का खुराक है, पृथ्वी का जो फूड है वो क्या है, जो सूर्य से जो प्राण निकल के आता है वो पृथ्वी खाती है और वो पृथ्वी हमें भी देती है. वनस्पति, प्राणी और मनुष्य सबको वही प्राण देती है, इसीलिए हम सब व्यक्ति जिंदा है. तो हम प्राण तो पृथ्वी से लेते हैं, पर वो प्राण आया हुआ है कहाँ से, सूर्य से आया हुआ है. तो सूर्य का प्राण जो है वो इसे
जो पृथ्वी उसको माइल्ड करती है और वो हमें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फिर से छोड़ती है। एक बच्चा होता है तो वो ऐसे ये सब्जी रोटी वगैरह डायरेक्ट खा नहीं सकता है, तो माँ जो है वो उसको डाइल्यूट बनाती है खुराक को और फिर उसको खिलाती है। इसी तरह ये पृथ्वी जो है वो जो सूर्य का प्राण जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत उच्च वाइब्रेशंस वाले होते हैं, वो हमारी पांच इंद्रिय से हम ले नहीं सकते, अगर कोई लेने जाए तो भी ये पूरा शरीर नष्ट हो जाए। तो पृथ्वी का काम यही है कि वो उसको चर्न करती है अंदर और फिर पृथ्वी ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वही प्राण डालती है और वही प्राण हम फिर हमारे अंदर पांचों इंद्रिय से और श्वास से लेते हैं और सारी सृष्टि जो है वनस्पति प्राणी वगैरह सब वो प्राण से जीते हैं। द सन पोर्स इट्स एनर्जी लिटरली ऑन द अर्थ विच इज इन टर्न कन्वर्टेड टू एयर प्लांट्स मटेरियल इन शॉर्ट ऑल लाइफ। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर जो ये एनर्जी डाली जाती है, ये सूर्य से आती हुई जो सूर्य द्वारा जो एनर्जी डाली जाती है, सूर्य से जो रिलीज होती है एनर्जी आती है और वो कन्वर्ट होती है जैसे हमने अभी बात की इस तरह, और फिर वो उससे ही हमारे हवा प्लेन्स मिनरल्स वगैरह बनते हैं। मतलब पूरा जो जीवन है, जो पूरे जो जो किंगडम है उसका जो जीवन है वो सब ये प्राण द्वारा चलते हैं। देन इन टर्न वी टेक इन थ्रू वन फूड एंड ड्रिंक, सेकंड ब्रीदिंग एंड थर्ड सेंसेशन ऑफ साउंड साइट टच एंड स्मेल। तो फिर तीन प्रकार के इम्पल्सिस हमारे अंदर ये जो प्राण जो पृथ्वी के पास आया और पृथ्वी ने जो हमें दिया उसे हम तीन प्रकार के इम्पल्सिस ले सकते हैं। एक फूड एंड ड्रिंक एक इम्पल्स है, दूसरा ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं वो भी इम्पल्स है और तीसरा पांचों इंद्रिय द्वारा प्राण अंदर आता है वो भी इम्पल्स है। तो ऐसा मत समझना कि खाली पांच इंद्रिय से जो अंदर आ रहा है वही इम्पल्स है, पर हम जो खाना खा रहा है वो भी एक प्रकार का इम्पल्स है, श्वास ले रहे हैं वो भी इम्पल्स है, ये क्लियर पॉइंट होना चाहिए। द सन लाइकवाइज रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच इट रिवॉल्व्स। तो ये भी हम जानते हैं जैसे कि पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा ले रही है और सूर्य जो है वो कोई महासूर्य से ऊर्जा ले रहा है, हर एक जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं वो भी ये ब्रह्मांड के अंदर तो बहुत छोटी चीज होती है। तो जिसको सूर्य हम जानते हैं कि भाई ये तो हमारे लिए कितना बड़ा है सूर्य हर रूप में, पर वो दूसरे जो महासूर्य है और जो गैलेक्सीज वगैरह है उसके आगे तो वो कुछ नहीं है। तो हर जो ये जो चीज है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरे के पास से वो एनर्जी लेके वो डेवलप अपना भी डेवलपमेंट करती है और दूसरे जो दूसरी एंटिटीज है उसको भी वो वही ऊर्जा देती रहती है। लाइक ए सर्कल स्पाइरल, सर्कल विद इन ए व्हील एड इन्फिनिटम। तो ये इस तरह ये सर्कल के रूप में सूर्य जो है महासूर्य के आसपास में रिवॉल्व होता रहता है। देयरफॉर कॉस्मिक एनर्जी रीचेस दिस अर्थ फ्रॉम इननंबरेबल सोर्सेस। तो खाली सूर्य से ही आता है ऐसा नहीं है, दूसरे प्लेनेट से भी आते हैं और कई बार तो दूसरे जो दूसरे स्टार से डिस्टेंस स्टार से वहां से भी कुछ प्रकार की एनर्जी हमारे यहाँ आती है। सम हार्मफुल एंड सम यूजफुल टू ह्यूमिनिटी। उसमें से कुछ जो है वो काम की है और कुछ ऐसी भी है कि जो बहुत नुकसान कर सकती है हमारे शरीर बॉडी ब्रेन सिस्टम को और पृथ्वी को भी नुकसान कर सकती है और प्लेन जो ये प्लेनेट के ऊपर जो सारी चीजें हैं सबको नुकसान कर सकती है। द हार्मफुल आर कट अवे ऑटोमेटिकली बाय नेचर वाइल पासिंग थ्रू द एटमोसफियर विच सर्व्स एज अवर डिसइन्फेक्शन चैम्बर। तो ये परमात्मा की एक कृपा है कि उसने सब प्रबंध करके रखा है कि भाई ये ह्यूमिनिटी है वो तो किसी तरह जिंदा रहनी चाहिए या पृथ्वी है वो जिंदा रहनी चाहिए और उसके ऊपर के जो सब जो जीव मात्रा है वो जिंदा रहने चाहिए। तो
तो अगर ये सूर्य से या अलग अलग जगह से हार्मफुल ऐसे जो तत्व आते हैं तो फिर ये जिंदा किस तरह रहेंगे? तो उसका उपाय प्रकृति ने कर लिया है, उसके एटमोस्फियर बनाया है। तो ये एटमोस्फियर क्या है? एक फिल्टर का काम कर रहा है, जैसे हम चाय को किस तरह फिल्टर करते हैं, इस तरह ये एटमोस्फियर जो है वो एटमोस्फियर से जो हार्मफुल तत्व है वो एटमोस्फियर के अंदर रह जाते हैं, एटमोस्फियर के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते, पर जो काम के तत्व है वही एटमोस्फियर के अंदर आ जाते हैं और जिसके द्वारा ये हमारा सबका जीवन विकसित हो सकता है। ये परमात्मा ने एक ये चीज बनाई है और तावड़िया जी इसको डिसइंफेक्शन चैम्बर कहते हैं। और इसीलिए हमारे हर एक व्यक्ति के आजू बाजू में भी हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल डिसइंफेक्शन चैम्बर इसी तरह होता है। तो इम्पल्स जो अंदर आता है तो बहुत निकम्मे इम्पल्स है, उसको हमारे डिसइंफेक्शन चैम्बर जो है वो उसको अंदर आने नहीं देते। तो सेम प्रोसेस जो सूर्य से जो होता है, जो ये एटमोस्फियर फिल्टर करता है, इसी तरह हमारे अंदर भी यही सेम प्रोसेस भगवान ने दी है। तो डिसइंफेक्शन चैम्बर हमारे अंदर भी है। द एटमोस्फियर इज सो अरेंज दैट एग्जैक्टली द राइट अमाउंट ऑफ द राइट काइंड ऑफ रेडिएशन इज अलाउड थ्रू, वाइल रेडिएशन दैट वुड प्रूव इनिमिकल टू लाइफ फॉर्म्स इज फिल्टर्ड आउट। तो जो जो नुकसानकारक जो है ह्यूमिनिटी के लिए या जीवन के लिए, उसका फिल्टर हो जाता है वो रेडिएशन जो जो आते हैं पृथ्वी के ऊपर, जहां से ब्रह्मांड से कहीं से भी आते हैं, सूर्य से दूसरी जगह से आते हैं, तो ये एटमोस्फियर द्वारा उसका फिल्टरेशन हो जाता है। दिस प्लेनेट वॉज प्रिपेयर्ड ओवर लॉन्ग इयर्स बाय अवर क्रिएटिव सोर्स फॉर द कमिंग ऑफ लाइफ। तो ये सब परमात्मा का, ये देखो कुछ रातों रात नहीं बना है, ये परमात्मा ने का एक प्री प्लान था कि भाई एक ह्यूमिनिटी है, एक ह्यूमिनिटी होगी, उसको कहीं बसाना है तो इसके लिए कोई ऐसी जगह चाहिए, तो फिर भाई पृथ्वी को बनाओ और पृथ्वी के अंदर फिर इस तरह का सारी चीजें बनाओ कि जिस तरह जो एक ह्यूमिनिटी के लिए जो जरूरी है। तो लाखों करोड़ों साल पहले युगों से ये सब प्रिपेरेशन चलता आया है और इस तरह पृथ्वी को पसंद की गई, एक पृथ्वी को निश्चित जगह पर ब्रह्मांड में रखा गया है। देखो सोलर सिस्टम के अंदर हमारी पृथ्वी है थर्ड है, पहला जो है वो बुध होता है, उसके बाद में शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी ऐसी जगह पर है कि न सूर्य से ज्यादा नजदीक है न बहुत दूर है, अगर थोड़ी भी नजदीक जाती है तो क्या होगा कि पूरा सब जल जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और एकदम दूर चली जाएगी, थोड़ी भी दूर मतलब चली जाएगी तो वो बर्फ का गोला जैसी हो जाएगी। तो भगवान ने कितना सोच समझ के ये सब आयोजन किया हुआ है कि पृथ्वी को यहाँ ब्रह्मांड में इस जगह पर रखा है ताकि गर्मी और ठंडी का बैलेंस हो और पूरी ह्यूमिनिटी जो है वो सर्वाइव हो सके। तो ये हजारों युगों से ये सब प्रकृति के अंदर एक पूर्व आयोजन था, इस तरह ये इसको इस तरह धीरे 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 करके ये पृथ्वी को प्रिपेयर किया गया, लाखों करोड़ों साल इसके अंदर लग गए और फिर धीरे 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 करके ह्यूमिनिटी को या दूसरी वनस्पति वगैरह को बसने के लायक बनाई गई। तो इस तरह ये जो कमिंग लाइफ मतलब जो आने वाली जो जीवन था उसका प्रिपेरेशन इस तरह पृथ्वी को इस तरह बनाया गया कि ये कमिंग लाइफ उसके ऊपर जी सके। तो ऐसी गहरी चीजें ये है परमात्मा की, सब ये बनाई हुई चीजें रचनाएं हमारे समझ के, समझ में तो कोई बताता है तो समझ में आता है, बाकी ऐसी गहरी चीजें हैं कि जो हम कुछ समझ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ विराम लेते हैं और 5 मिनट का एक ये है टाइम, तो किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, हो सके तो हिंदी में ही प्रश्न पूछिए, नहीं हिंदी समझ में आता है तो फिर गुजराती में पूछिए, मैं हिंदी में ही जवाब दूंगा। नमस्ते तुम्हारे तारा साहब। हाँ नमस्ते बोलो। पिछली बार आपने बोला था कि भाई, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमारे थॉट में भी किसी की बुराई करते हैं तो हमारा वो एक कर्म बन जाता है।
क्या उसकी माफी मिल जाती है जो गलत सोचा था उसने? व्हाट इज डन यू कैन नॉट अनडन इट, जो हो गया. But it is not executed. नहीं नहीं, पर ये तो ब्रेन की ही बात है, यहाँ IESM केंद्र की ही बात है. हमने क्या देखा था कि प्योर मोटिव का मतलब क्या है, कि जो प्योर मोटिव शब्द उन्होंने यूज किया ने, एक बार जो मोटिव से हो गया सो हो गया. अब ये जो दूसरा बार आप करते हैं वो दूसरा मोटिव है और उसका दूसरा फल आएगा, उसका फल अच्छा आएगा. पर ये कोई काउंटर ये नहीं है, या फिर कोई इसको बैलेंस करने की ये कोई प्रक्रिया नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को गाली दे दी और फिर बोलू कि सॉरी भैया जरा माफ करना ये मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी बात नहीं है. यहाँ एक बार जो मोटिव एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया और उसका रिजल्ट उस तरह, फिर दूसरी बार अभी रिग्रेट का है तो वो अच्छा मोटिव है तो उसके लिए फिर इस तरह का फिर रिजल्ट आएगा. पर वो कोई ऐसे कोई काउंटर बैलेंस नहीं करता है वो. मतलब थॉट प्रोसेस पे हो गया जो कर्म बन गया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते. नहीं नहीं नेवर. करेक्शन हमारे अंदर कर सकते हैं, करेक्शन हमारे अंदर ये कर सकते कि दूसरी बार ऐसा विचार न आए, दूसरी बार इस तरह की ये न हो, इसका इतना हम करेक्शन कर सकते हैं. पर वो जो हो गया उसकी अभी माफी या उसका कोई काउंटर बैलेंस नहीं हो सकता, वो तो प्रकृति के खिलाफ ही बात है. थैंक यू सर. अच्छा दूसरा प्रश्न है मेरा, आज आपने कहा कि भाई ऑब्जर्वेशन करना है, आज हम सेंटर्स के बारे में आप समझा रहे थे. तो जो ऑब्जर्वेशन करना है उसमें दो चीजें, एक ड्रिफ्ट भी होती है. आप जो करेक्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं उसमें बोलते हैं कि ऑब्जर्व योर ड्रिफ्ट. और यहाँ आपने कहा कि भाई ऑब्जर्व योर थॉट या ऑब्जर्व योर सेंटर्स. सर मैं ये डिफरेंस नहीं समझ पाया. नहीं नहीं, वो तो वो उसका पर्पज अलग है ना, वो उसके अंदर हालांकि उसमें से भी आपको पता तो यही चलेगा, पर उसका पर्टिकुलर हमें कुछ ढूंढना है. जैसे कि वो ड्रिफ्ट तो जो हम देखते हैं तो ड्रिफ्ट के अंदर हम पर्टिकुलर एक जो चीज है ये हम ये ढूंढना चाहते हैं कि भाई कौन सा एक चीज है कि जो हमें बार बार खींच के लाते है. यहाँ हमें सेंटर के रूप में देखना है कि सेंटर कौन सा सेंटर, जैसे कि ये हमने पांच प्रकार के जो परसेंटेज देखे ना, छह प्रकार के, तो वो कौन सा सेंटर के अंदर गड़बड़ी चल रही है. तो वैसे तो दोनों एक एक, एक मिलते जुलते ही है, पर उसमें वो जो है वो उसमें पर्टिकुलर है. इसमें सेंटर वाइज हम जाते हैं कि भाई ये देखते हैं कि भाई कितना परसेंटेज वाइज कोई पर्टिकुलर सेंटर डोमिनेंस कर रहा है, या कोई सेंटर का इन्वॉल्वमेंट है, या कोई सेंटर से ही हम खाली संतोष लेके बैठे हैं. ये चीज हम यहाँ देखते हैं ऑब्जर्वेशन में 15-20 बार. जबकि उसमें तो क्या है कि वो ड्रिफ्ट द्वारा हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई कौन से विचारों में हम ज्यादा डूबे रहते हैं, कौन सी चीज हमें ज्यादा खींच के रखती है कोई पर्टिकुलर, मतलब कि हम पर्टिकुलर वीकनेस को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई ऐसे कोई मुझे अंदर बार बार गुस्सा का एक भाव आता है कि क्या आता है, क्योंकि वो आठ प्रकार की करेक्टिव करनी है तो कौन सी करेक्टिव मुझे लागू पड़ेगी, उसके लिए वो आठ प्रकार के करेक्टिव के अंदर से उसको ढूंढने के लिए हमको ड्रिप को वॉच करना पड़ता है. तो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है. तो मतलब यहाँ पे भी सर हम सेंटर को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसका भी मकसद वही है ना सर कि भाई कौन सा सेंटर ज्यादा एक्टिव है. यहाँ मैंने कहा ना कि उसका दोनों का पर्पज थोड़ा अलग है, उसमें पर्टिकुलर वीकनेस को ढूंढने का अपना हेतु है. यहाँ सेंटर्स जो है वो उसका माल फंक्शन क्या है वो हमें देखने का है, थोड़ा डिफरेंस है इतना. बराबर. अच्छा तीसरा प्रश्न सर, व्हाट इज प्राण फ्रॉम यूनिवर्स. अभी आपने कहा कि भाई यूनिवर्स से हमको प्राण मिलता है, तो क्या मिलता? प्राण तो हम अनुभव कर सकते हैं ना. प्राण को जो है ये प्राण, जैसे कि अभी हमने बात क्या किया कि सूर्य से एक ऊर्जा आती है, अलग अलग टाइप की ऊर्जा आती है, रेडिएशन भी आता है, गर्मी भी आती है, अलग अलग चीज आती है. उसमें सबसे जो सतल चीज जो है जो प्राण है, मतलब कि जो सृष्टि जो है वो प्राण सबसे पुरानी चीज है. सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो प्राण से ही हुआ है, अपने शास्त्र ऐसा कहता है. बराबर है.
अब वो प्राण जो पृथ्वी के लिए आया है वो सूर्य से आया है, और वो सूर्य के अंदर उसके पेताल के अंदर चला जाता है, कोर के अंदर जाता है, और वहां वो चरण होके फिर इस तरह का प्राण हमारे अंदर ये एटमोस्फियर के अंदर फेंकता है कि जो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम को चला सके। तो जो खाली प्राण जो है वो पूरा हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम को चलाने के लिए है। इम्पल्स आ रहा है, जैसे कहा कि भाई इम्पल्स तो मतलब क्या कि एक संज्ञा है कि जिसके अंदर वो चीज तो दिखाई भी नहीं देती, ऐसी सूक्ष्म है, तो वो प्राण से बनी हुई चीज है। तो प्राण जो है वो इतना सूक्ष्म है। श्वास जो है, श्वास तो हम अभी फील भी कर सकते हैं, प्राण को तो फील करना भी मुश्किल है। जब आपका अंदर प्राण जागृत होता है और एक्टिवेट होता है तो आप उसको सेंस कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी से आपकी सेंसिटिविटी से आप उसको सेंस कर सकते हैं। पर श्वास जो है वो एकदम स्थूल है, और प्राण जो है इससे भी सूक्ष्म है। इन शॉर्ट हमारे जो पूरी बॉडी ब्रेन सिस्टम को जो चीज चला रही है, जो फाइनेस्ट जो जो एनर्जी है, फाइनेस्ट एनर्जी, वो जो है उसको शास्त्र के अंदर प्राण कहा गया है। बराबर, ओके, बोलो। और किसी को सर? हाँ, एक है जो आपने बोला कि श्वास हम इम्पल्स के द्वारा, जो इम्पल्स के द्वारा लेते हैं श्वास, तो उससे सिर्फ हमारा शरीर चलता है या उससे कोई विचार भी बनता है, थॉट भी क्रिएट होते हैं? ये जो तीन प्रकार के हैं, जैसे हमने देखा ना, एक फूड एंड ड्रिंक है, एक इम्पल्स, दूसरा जो है ब्रीदिंग का इम्पल्स है, और तीसरा जो है सेंसेशन, मतलब पांच इंद्रिय का। अब जो विचार की जो प्रक्रिया बनती है वो पांच इंद्रिय से जो इम्पल्स आता है उससे विचार की प्रक्रिया बनती है। जो ब्रीदिंग के द्वारा जो हमारे अंदर प्राण आता है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर जाके, एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो प्राण का सर्कुलेशन है, प्राण जो है वो उसको मेंटेन करता है हमारा एस्ट्रल बॉडी, हमारा जो चक्र है वगैरह उसको घुमाने का काम, हमारी नाड़ियों के अंदर जो घूमता है प्राण, वो जो प्राण है वो ब्रीदिंग थ्रू आता है, वो प्राण है, समझे? तो विचारों के लिए जो प्राण आ रहा है वो सेंसेशन के द्वारा, मतलब कि पांच इंद्रिय के द्वारा आता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर जाके उसको, उससे वो हमारे विचार बनते हैं। और ये ब्रीदिंग का जो है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर जाता है। अच्छा, नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रशांत जी, हाँ बोलिए। सर ये जो डिसइंफेक्शन चैम्बर है, तो ओरिजिनली है ना, एक साइकोलॉजिकली है वो? ओरिजिनल साइकोलॉजिकल नहीं है, वो चीज है ऐसे। एटमोस्फियर कैसा है? एटमोस्फियर को आप साइकोलॉजिकल बोलेंगे? एटमोस्फियर तो ओरिजिनल है। एटमोस्फियर तो ओरिजिनल है। हाँ तो बस, हाँ तो ये जो हमारे आजू बाजू भी जो है ना, व्यक्तिगत जो डिसइंफेक्शन चैम्बर है वो भी ओरिजिनल ही है। दोनों का पर्पज एक ही है और दोनों की डिजाइन भी एक ही है। वो एक पूरा बड़े स्केल के ऊपर है, एक ये छोटा स्केल के ऊपर है, दोनों चीज एक ही है। हाँ है ना, है ना, बिल्कुल कम्प्लीट है। नहीं तो ये नहीं होता तो हमारे अंदर कोई भी गलत प्रकार का इम्पल्स भी घुस जाता और हमें बहुत नुकसान कर जाता। हाँ सर, हाँ सर, ओके, ठीक है। तो यहाँ है किसी को प्रश्न? यहाँ समाप्त करते हैं। चलिए तो यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और आगे जो बाकी है वो पढ़ते जाएंगे। आप भी थोड़ा पढ़ना, उसका अभ्यास करना, और फिर हर हफ्ते मिलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।